पुनः एकीकरण का प्रारंभिक चरण, जो कि बच्चे के परिवार में स्थिर होने पर केंद्रित है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्थायी पुनः एकीकरण का एक अहम हिस्सा है। सफल पारिवारिक पुनः एकीकरण यूं तो एक विज्ञान है, लेकिन इसमें कला का एक तत्व भी है, जो इससे जुड़े सभी लोगों में जीवित है। होम थ्राइव स्केल जैसे तकनीकी साधनों द्वारा एकत्रित जानकारी की नींव पर एक समाज कार्यकर्ता को पुनः एकीकरण के इस प्रारंभिक माध्यमिक समय में कदम रखते समय सुनने, अवलोकन करने और समानुभूति प्रदर्शित करने की समझ होनी चाहिए, ताकि वह किसी परिवार का जीवन परिवर्तित कर देने वाली प्रक्रिया का उचित मार्गदर्शन कर सके। यह कार्य सरल नहीं है, बल्कि इसका दृष्टिकोण रिश्तों पर केंद्रित है, जो लोगों को असली रूप में स्वीकारता है और आने वाली असफलताओं को भी मान्यता देता है। परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए समय और संयम चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। जब आप जैसे समाज कार्यकर्ता बच्चे और परिवार के साथ इस मार्ग पर चलते हैं, तब आपके सामने बिना निर्णय किए सुनने और अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित रहने की चुनौती होगी। एक ऐसा बढ़ता और जुड़ता परिवार जो कई वर्षों के वियोग से आई स्वाभाविक चुनौतियों से लड़ना सीख रहा है। प्रक्रिया शुरू करने के बाद पहला कदम बहुत ही सरल है, सुनना। खुद की सुने, परिवार की सुने, बच्चे की सुने। बच्चे और उसके परिवार को पुनः एकीकरण के प्रारंभिक चरण में अपनी चिंताएं और आशाएं व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करें। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न संभाषणों के लिए तैयार रहें। इन वार्तालापों से संभवतः असहमतियों का पता चलेगा, जो बाल संरक्षण संस्था के अनुभवों और अपेक्षाओं में निहित है, जो पारिवारिक जीवन और पारिवारिक मूल्यों और संस्कृति से काफी अलग है, जिन्हें उनसे अलग रहने के कारण बच्चे ने नहीं अनुभव किया होगा। इन मतभेदों को स्वीकारना उन्हें एकजुट करने की दिशा में पहला कदम है। फिर समानुभूति दिखाएं। क्या आपको लगता है कि पहले संस्था में छोड़े जाने से बच्चा क्रोधित है? क्या उस भाई बहन से नाराजगी है जो पीछे छूट गया था? क्या उनके आर्थिक संघर्ष या किसी लत के कारण बच्चे को उसके माता पिता पर शर्म आती है? फिर आश्वस्त करें, बच्चे और परिवार को याद दिलाएं कि ये भावनाएं स्वाभाविक और मान्य है और एक साथ आगे बढ़ने की आशा है। अंत में विश्लेषण करें, अपनी अध्ययन और अनुभव के साथ साथ सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य लोगों की एक बहुविषयक टीम के साथ समन्वय करें और संबोधित किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में प्रारंभिक निष्कर्ष तैयार करें और विकास का मार्ग पहचानें। आवश्यक हस्तक्षेपों को सूचित करने के लिए, परिवार की प्रगति को जानने के लिए और सभी को सूचित रखने के लिए होम थ्राइव स्केल का उपयोग करते रहें। इस तरह पारिवारिक इकाई की पुनः एकीकरण की यात्रा शुरू होती है और बारंबार भेंटों से यह और मजबूत बनती है। बच्चे और परिवार की पारिवारिक गति विज्ञान की समझ का विस्तार करने के लिए यह जानने की कोशिश करें, क्या बच्चा और उसका परिवार पुनः एकीकरण से जुड़ी अपेक्षाओं से भली भांति परिचित है? क्या वे अपेक्षाएं मेल खाती हैं? क्या पारिवारिक संवादों में हर किसी की अपनी एक आवाज है? क्या परिवार भावनाओं, चिंताओं, मुद्दों पर खुलकर चर्चा करता है? इसके बाद कमजोरियों की जगह ताकतों पर ध्यान केंद्रित करके बल बढ़ाएं। भेंटों के दौरान रोल प्ले के माध्यम से उन्हें आदर्श, नए और सकारात्मक अभिभावक कौशल के बारे में बताएं और इस तरह परिवार के प्रत्येक सदस्य की क्षमताओं पर विश्वास पैदा करने में मदद करें। सम्मान से हर व्यक्ति के लिए आवश्यक जीवन कौशल जैसे संचार और समस्या को सुलझाने में निजी मार्गदर्शन प्रदान करें और परवरिश संबंधी जानकारी देना न भूलें। अनुशासन के प्रति दृष्टिकोण को लेकर संवाद शुरू करने के लिए अभिभावक की निराशा को पुनर्निर्देशित करें। उन्हें यह ज्ञात करवाएं कि उस बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण उसका अनियंत्रित व्यवहार दिखाई पड़ रहा है। किसी परिवार के साथ काम करते समय यदि आपको लगे
आपकी बहुविषयक टीम के विशेषज्ञों के समर्थन से आपको मदद मिलेगी, तो उन्हें भी शामिल करना न भूलें। आप परिवार वालों के गहरे जवाब, उनकी विविध भावनाएं और बेहतर भविष्य के लिए उनकी आशा की शक्ति को देखकर अचंभित हो जाएंगे। यदि आप बच्चों और उनके परिवारों के प्रति समर्पित रहते हुए उस परिणाम को सर्वोपरि मान सकते हैं, तो आप उन्हें पुनः एकीकरण की प्रक्रिया से निकल के स्थायी पुनः एकीकरण करने के लिए प्रेरित और तैयार कर सकते हैं।